रात के वक्त ताई का कमरा। ताई अपनी आंखों बंद करके घास पे लेटी थी। उनका एक हाथ चेहरे पे था एंड दूसरे हाथ पेट पे था एंड उनकी दुपट्टा उनके चेहरे के ऊपर से होते हुए जमीन पर गिरते हुए उड़ रहा था। जंगकुक उसे ऐसे देखकर ताई उसे सोते हुए बेहद खूबसूरत लग रही थी। जंगकुक के कदम धीरे धीरे ताई की तरफ बनने लगते हैं। जंगकुक उसके पास जाके लेट जाते हैं एंड वो अपने एक हाथ जमीन पे टिकाकर उस पर अपने सिर रख कर ताई के निहाने लगते हैं एंड अपने एक हाथ उनकी कमर पे रख देते हैं। ताई को अचानक अपने कमर पर कुछ भारी सा महसूस होते हैं तो वो एकदम से अपने आँख खोल लेती है एंड अपने दुपट्टा अपने चेहरे से हटाती है तो अपने सामने जंगकुक के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख कर चौंक जाती है। वो जल्दी से उठ के बैठ जाती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ताई गुस्सा में बोलती है एंड उठकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जंगकुक उनका हाथ पकड़ के अपने करीब खींच लेते हैं। ताई अपने आप को संभाल नहीं पाती है एंड जंगकुक के ऊपर गिर जाती है। ताई एंड जंगकुक के बीच में इतना सा फर्क था, अगर वो एक इंच भी हिल जाए तो उन दोनों को होठों को छू जाता। उनके ऊपर ऐसे गिरने से ताई के बालों जंगकुक के चेहरे पे बिखर जाते हैं। जंगकुक अपने एक हाथ से धीरे से ताई के बालों को उनके चेहरे से हटाकर कानों के पीछे कर देते हैं। ताई सिर्फ जंगकुक की आंखों में देखी जा रही थी। वो जंगकुक के इतना करीब से भूल ही गई थी कि वो अभी गुस्सा से जा रही थी। मिसेस ताई, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रहो तो कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए, लेकिन तुम्हें ऐसे देखने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जंगकुक मुस्कुराते हुए बोलते हैं एंड उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। जंगकुक की बात सुनते ही ताई झेप जाती है एंड हड़बड़ा कर उठने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जंगकुक उनके कमर को इतना कस के पकड़ रखा था कि वो एक भी हिंच नहीं हिल पा रही थी एंड जंगकुक उनको इतना मेहनत करते देखकर मुस्कुरा रहे थे। मिस्टर जंगकुक, मुझे छोड़िए, ताई गुस्सा में बोलती है। नहीं छोड़ू तो, जंगकुक छेड़ते हुए कहते हैं। उनकी बात ये सुनकर ताई गुस्सा से उसे घूमने लगते हैं, जैसे उसे बिना मुझे कच्चे चबा जाए। आप चाहते क्या हैं? मिस्टर जंगकुक, आप चाहते क्या हैं? ताई गुस्सा में बोलती है। खाना, जंगकुक जल्दी से बोलते हैं। क्या? ताई चौंक के बोलती है। मतलब तुमने खाना नहीं खाया है, इसलिए पहले खाना खाओ तब मैं यहाँ से जाऊँगी, जंगकुक बोलते हैं। मिस्टर जंगकुक, मुझे भूख नहीं है, ताई दूसरी ओर मुंह करते हुए कहती है। ये सुनते ही जंगकुक पलट कर ताई के ऊपर आ जाते हैं एंड ताई हैरान सी रह जाती है क्योंकि जंगकुक ने अचानक ही किया था। अगर तुमने खाना नहीं खाया तो, जंगकुक उनके चेहरे के करीब आते हुए कहते हैं। तो ताई हैरान से उसे देखते हुए कहती है, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और हाँ, हम दोनों आज रात यहीं एक दूसरे के साथ रहेंगे, आज मौसम भी कितना अच्छा है, जंगकुक डेविल स्माइल करते हुए कहते हैं। जंगकुक को पता था कि ताई किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी, इसीलिए उसने जान बूझ कर ये सब बोला। ये सुनते ही ताई के कानों खड़ा हो जाते हैं। उसे ये सब सोच कर अजीब लगने लगता है, उनके गालों लाल हो जाते हैं। मुझे भूख लगी है, ताई टपक से बोलती है। गुड, चलो, जंगकुक ये कहकर उठते हैं एंड अचानक से झुककर ताई को अपने गोद में उठा लेते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने आप से चल सकती हूँ, मुझे नीचे उतारिए, ताई गुस्सा में बोलती है। मिसेस ताई, तुम बहुत बोलती हो, तुम्हारा जुबान बहुत चलता है, जंगकुक चलते हुए कहते हैं। क्या कहा आपने, मैं ज्यादा बोलती हूँ, मेरा ज्यादा जुबान चलता है? मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि आप तो बिना बोले कान करते हैं और मुझे अपनी बात बोलकर आपको समझाना पड़ता है, ताई चीखते हुए कहती है। कांड? अब ये कौन सा नया वर्ड है, जंगकुक हैरान से उसकी ओर देखते हुए कहते हैं। आपको नहीं पता कि कांड किसे कहते हैं, ताई चकते हुए कहती है। सही बात है, पता भी कैसे होंगे, भला शैतान को भी पता कैसे कि कांड क्या होता है, ताई धीरे से बड़बड़ाते हुए कहती है। मुझे सब सुनाई दे रहा है, पता नहीं मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ कैसे बीतेगी, जंगकुक उनके तरफ आई ब्रेक करते हुए कहते हैं। कैसे बीतेगी? रुकिए मैं बताती हूँ, आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरे बातों सुनते ही बीतेगी, ताई बिना उनकी बातों का मतलब समझते हुए फोल फोल पे बोल देती है।
लेकिन बोलने के बाद उसे समझ आते हैं कि वो क्या बोल दी है। ये सुनकर जंगकुक मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखते हैं और उसे कमरे में आकर उसे नीचे उतार देते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ, जंगकुक प्यार से उसकी ओर देखते हुए कहते हैं। ये सुनकर ताई इधर उधर देखने लगती है, वो जंगकुक की नजर के सामना नहीं कर पाती है। जंगकुक उसे देखकर समझ जाते हैं। जंगकुक मुड़कर टेबल पर रखे हुए खाना का प्लेट उठाकर वापस ताई के पास आते हैं। ताई उसके हाथों से खाना की प्लेट देखकर वो जंगकुक को हैरान भरे नजरों से देखने लगते हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जंगकुक उनके लिए खाना लेके आए हैं। विशेष ताई, अब तुम देखते ही रहोगे या खाना भी खाओगे, जंगकुक बोलते हैं। उसे बोलने पर ताई झेप जाती है, वो चेयर पे बैठ जाती है क्योंकि उसे पता था जब तक वो खाना नहीं खाएगी तब तक जंगकुक वहाँ से नहीं जाएगा। ताई खाना का पहले निवाला लेने ही वाली होती है कि जंगकुक उसे रोक देते हैं। ताई उसे चौंक कर देखते हैं। जंगकुक खुद खाने के प्लेट से निवाला लेकर ताई को खिलाते हैं। ताई खाते हुए बस एकटक उसे ही देखते रह जाती है। ताई की धड़कन बहुत तेज से चल रही थी, उसे समझ भी नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। जितना वो जंगकुक से दूर होना चाहती थी लेकिन फिर भी उसके ही पास खींचे चली जा रही थी। जंगकुक उसे प्यार से खाना खिलाते हैं एंड ताई भी उनके हाथों से खाना खा लेती है। वो एक भी बार खाना खिलाने से नहीं रोकती है। मैंने खाना खा लिया है, आप जा सकते हैं, ताई चेयर से खड़े होते हुए कहती है। अभी भी एक इम्पोर्टेंट काम है, जंगकुक मुस्कुराते हुए कहते हैं। क्या, ताई बोलते हैं। उसकी बात सुनके जंगकुक धीरे धीरे उनके करीब आने लगते हैं। उसे अपने पास आते हुए देखकर ताई घबरा जाती है। जंगकुक ताई के पास आकर उनके चेहरों को अपने हाथों में भर लेते हैं जिससे ताई डर के मारा अपनी आंखों को बंद कर लेती है। जंगकुक झुककर ताई के माथों को चूम लेते हैं। गुड नाइट, ये सुनकर ताई अपनी आंखों खोलकर जंगकुक को देखते हैं। उसकी नज़र जंगकुक की नज़र से मिलते हैं जिससे ताई को अपने लिए अलग ही जज्बात नजर आ रहे थे। ताई तुरंत अपनी नज़र झुका लेते हैं। जंगकुक मुस्कुराते हुए उनके कमरे से चले जाते हैं एंड ताई दरवाजा की तरफ देखते ही रह जाती है। सुबह के वक्त जंगकुक इंटरेस्टिंग, आज लिसा अपने समय से पहले ही ऑफिस पहुंच जाती है एंड अपने केबिन में बैठकर जंगकुक इंतजार करने लगती है क्योंकि आखिरी बार जब जंगकुक से मिली थी तब जंगकुक बेहद ही गुस्सा में था, इसलिए लिसा आज किसी भी हालत में उससे बात करना चाहती थी। आज जब जंगकुक ऑफिस में आएंगे तभी मैं उसे प्रपोजल कर दूंगी, जंगकुक मुझे मना भी नहीं कर पाएंगे। अरे मैं इतनी हॉट हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, रिच हूँ, स्मार्ट लड़की हूँ और सबसे बड़ी बात उनके बिजनेस में पार्टनर हूँ। ऐसे लड़की को कोई भी मना नहीं कर सकते हैं। आप बस जंगकुक जल्दी आ जाए क्योंकि आप एक पल के भी टाइम वेट नहीं कर सकता। जंगकुक से शादी करके जल्दी से जल्दी मिस्टर जंगकुक की वाइफ बनना चाहती हूँ, लिसा मन ही मन में बड़बड़ाती है। लिसा को जंगकुक के इंतजार करते हुए लगभग आधा घंटा बीत चुके थे लेकिन जंगकुक अभी तक ऑफिस नहीं आया था जिसे लिसा बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अब मुझसे इंतजार नहीं होता है, मैं खुद ही जंगकुक की मेसन में जाती हूँ क्योंकि मुझे आज किसी भी कीमत पर जंगकुक से शादी करने के लिए प्रपोजल कर दूंगी, लिसा डेविड स्माइल करते हुए कहती है एंड वो अपने बैग उठाकर इन ऑफिस से बाहर चली जाती है। जंगकुक मेसन जिसे सोकर उठते हैं तो उसे कल रात को जो भी कुछ हुआ था सब याद आ जाते हैं। जेव बहुत हो गया, आप मुझसे बहुत भाग लिए हैं, आज मैं आपको अपना प्यार रियलाइज करवा के रहूंगा, जिसु मन ही मन में बोलते हैं एंड वॉशरूम की ओर चले जाते हैं। इधर आयु किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी तभी ताई किचन में आती है। ताई को आते ही देखकर आयु मुस्कुराते हुए उनको देखते हैं। ताई खोई हुई चल रही थी कि आयु जल्दी से उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं जिससे ताई घबरा जाती है एंड लगभग डर ही जाती है। आयु तुम्हें मुझे मानने का इरादा है, ऐसे कौन अचानक किसी के सामने आ जाते हैं, तुम्हारे वजह से मेरे हार्ट फेल होते होते बचे हैं, ताई घबराते हुए कहती है। लगता है कि आयु पर भी शैतान का असर होने लगा है, ये भी उनकी ही तरह होते जा रही है, पहले से ही मुझे परेशान करने के लिए वो शैतान कम थे, अब ये आयु भी शुरू हो गई है, किसी दिन ये दोनों मिलकर मुझे दुनिया से उठा देंगे, ताई मन ही मन में जंगकुक को कोसने लगती है। सॉरी भा, आयु भाभी बोलने ही वाली होती है
लेकिन कहते कहते रुक जाती है। मेरे मतलब सॉरी दीदी, आयु किट से चेहरा बनाते हुए कहती है। सॉरी नो, अब मैं कभी नहीं करूँगी, पक्का प्रॉमिस, आयु कान पकड़ते हुए कहती है। उसको ऐसे देखकर ताई को हंसी आ जाती है। उसे हंसते देखकर आयु भी मुस्कुराने लगती है। तुम पूरी नौटंकी हो, ताई उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं। नहीं दीदी, हम नौटंकी नहीं, पूरी के पूरी बॉलीवुड हैं। आयु पूरे रोम में कहती है। अच्छा जी, जरा हमें भी तो दिखाइए अपने बॉलीवुड। ठीक है, हम आपको जंकू भाई के एक्टिंग करके बताती हूँ, आयु बोलते हैं। एक मिनट, आप जंकू भाई बीच में कहाँ से आ गया, ताई अपने आँखों को छोटा करते हुए कहती है। अरे हमारा जंकुक भाई किसी भी बॉलीवुड की स्टार से कम है क्या? वैसे तो देखो तो उनसे भी ज्यादा स्मार्ट एंड हैंडसम भी है, आयु खुश होते हुए कहती है। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है आपका जंकुक भाई पुराना, ताई कल सत्य हुए कहती है। ठीक है दीदी, आप मेरी एक्टिंग देखिए, आयु ये बोलकर पूरे स्टाइल के साथ कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन फिर से वो चुपचाप खड़ी हो जाती है एंड कुछ सोचने लगती है। कुछ तो कमी है, आयु अपने सिर खुजलाते हुए कहती है। इसी की कमी है ना, जिसे किचन में आते हुए कहती है एंड हवा में उछालकर ब्लैक गूगल्स उनकी ओर फेंक देते हैं, जिससे आयु तुरंत पकड़ लेते हैं। हाँ दीदी, इसी की कमी थी, ये बोलकर आयु गूगल की पूरी ट्रशन के साथ पहनती है एंड फुल एटीट्यूड के साथ बोलना शुरू कर देती है। डोंट एग्री मी, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और हाँ जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेट करता हूँ, आयु अपने अंगुली नाक छूते हुए बोलती है। आयु अक्षय कुमार के फिल्म के डायलॉग की एक्टिंग करती है। उसकी एक्टिंग देखकर ताई की हंसी छूट जाती है। ताई इतना जोर जोर से हंसती रहती है कि आयु एंड जिसू लगभग हैरान से मुंह फाड़ के देखती रह जाती है। इसे क्या हुआ, आयु हैरान से बोलती है। लगता है आयु आपकी एक्टिंग देख के उसे सदमा लग गया है, जिसू बोलते हैं। तो आयु घूर कर जिसू को देखते हैं एंड ताई के पास जाते हैं। दीदी आप हंस क्यों रहे हैं, हमने क्या इतनी बुरी एक्टिंग की है, आयु उसके सामने आते हुए पूछती है। ताई बड़ी मुश्किल से अपने हंसी को रोकते हुए बोलती है। नहीं आयु, तुमने बहुत अच्छे एक्टिंग किए हैं, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मिस्टर जंगो इस डायलॉग को बोलते हुए कैसे लगेंगे, और यही सोचकर मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ गई, ताई ये बोलकर फिर से हंसने लगते हैं। जिसू एंड आयु ये सुनने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। रुको मैं बताती हूँ ये डायलॉग कैसे बोलते हैं, ये बोलकर ताई पूरे गुस्से वाले एक्सपीरियंस अपने चेहरे पे ले आते हैं एंड डायलॉग बोलते हैं। डोंट एंग्री मी, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और हाँ जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, ये बोलकर ताई अमिताभ बच्चन की तरह एक हाथ अपने कमर पर एंड दूसरे हाथ आगे करते हुए कहती है। ताई के एक्टिंग करते हुए देखकर एंड उनके बात सुनते हुए आयु जिसू भी उनके हंसी छूट जाते हैं। वो तीनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल उनके सारे हंसी गायब हो जाते हैं, क्योंकि सामने सीढ़ी से जंकू आ रहे थे। ताई एंड आयु दोनों नाश्ता बनाने लगते हैं एंड जिसू किचन से बाहर आके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। हे भगवान, ये कहाँ से प्रकट हो जाते हैं, लगता कि इनका कान बहुत तेज है, ताई मन ही मन में बड़बड़ाने लगती है। कुछ देर के बाद ताई एंड आयु नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाते हैं। जेहो किसी काम से बाहर गए थे, इसीलिए वो यहाँ नहीं थे। जेहो को वहाँ ना देखकर जिसू फिर से बहुत दुखी हो जाती है। ताई दादी के पास आते हैं एंड उनकी नाश्ता सर्व करने लगती है, लेकिन जैसे ही ताई की नजर जंकू की ओर जाते हैं तो वो देखती है कि जंकू मुस्कुराते हुए उनको ही देख रहे थे। जंकू को देखकर ताई को कल रातों को जो भी कुछ हुआ था फिल्म की तरह उनकी आंखों में चल रहा था। ताई वहां से जाने ही वाली होती है कि उनके कानों में जंकू की आवाज आते हैं। मिसेस ताई प्लीज मुझे भी ब्रेकफास्ट सर्व कीजिए, ये शैतान मिस्टर जंकू जान बूझ के मुझे परेशान करते हैं, अपना नाश्ता खुद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मुझे परेशान किए बिना इसका दिन ही अच्छा नहीं जाते हैं, ताई मन ही मन में जंकू को कोसने लगती है। ताई गुस्से में जंकू को देखते हैं एंड इधर जंकू मुस्कुराते हुए ताई को देखते हैं, क्योंकि वहाँ सभी थे एंड अब जंकू ने उसे बोल दिया था, इसलिए ताई को जंकू के पास जाना ही पड़ा। जंकू के पास आकर ताई उनके प्लेट में नाश्ता सर्व करने लगती है।
वो जल्दी से जंको को नाश्ता देकर वहाँ से भाग जाना चाहती थी। ताई नाश्ता सर्वाइव कर जैसे ही अपने हाथ को पीछा करने वाली होती, तभी जंको टेबल के नीचे से ताई के हाथ पकड़ लेते हैं। उसका हाथ पकड़ते ही ताई का आंखों एकदम हैरान से फैल जाते हैं। वो घूर कर जंको को देखने लगती है, जो उसे देखकर डेविन स्माइल करते हैं। ताई अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जंको का पकड़ से ताई हाथ छुड़ा नहीं पाती है। ताई आयु आइए आप भी हमारे साथ बैठ के नाश्ता कीजिए, दादी बोलते हैं। जी दादी, ताई अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए कहती है। मिस्टर जंको मेरे हाथ छोड़िए, ताई गुस्सा में धीरे से फुसफुसाते हुए कहती है। अभी मेरा मन नहीं है, जंको आराम से नाश्ता करते हुए कहते हैं। ताई चौंककर उसकी ओर देखते हैं। दादी फिर से उसे एक बार फिर से बैठने के लिए बोलते हैं। जी दादी बस 2 मिनट, ताई दांत दिखाते हुए कहती है। क्या मतलब आपका मन नहीं है? मिस्टर जंको मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़िए, वरना मैं दादी से आपकी शिकायत कर दूंगी, ताई गुस्से में बोलती है। ठीक है बोल दो, लेकिन साथ में कल रात के बारे में भी उन्हें बता देना, जंको मुस्कुराते हुए कहते हैं। अब तो जंको की बात सुन के ताई बिल्कुल सन हो जाती है। मतलब उनके सामने में जो बंदा बैठा था वो एक नंबर का बेशरम था। उसका मन कर रहा था कि ये धरती फट जाए एंड उसमें जंको को दफन कर दे। आपको बिल्कुल भी अंदाज नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आपकी तरह बेशरम नहीं हूँ। आप ये बताइए आप चाहते हैं क्या, मेरे हाथ क्यों पकड़े हैं? ताई अपने दांत पीसते हुए कहती है। अगर तुम वादा करो कि नाश्ता के बाद तुम मेरे कमरे में आओगी तभी मैं तुम्हारा हाथ छोड़ूंगा, जंको बोलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, ताई कहती है। ओके तो फिर से ऐसी खड़ी रहो, अगर दादी फिर से पूछेंगे तुम खुद जवाब देना, जंको के बोलकर फिर से नाश्ता करने लगते हैं। सच में ये इंसान नहीं राक्षस मरीज शैतान दानव सर टाइप का राक्षस, शर्म के पर्दा को बिल्कुल आग लगा कर खाक कर दिए हैं। भगवान कुछ तो मुझ पर दया करो, ताई मन ही मन में बड़बड़ाती है। मैं आ जाऊंगी, ताई उसकी ओर बिना देखे बोलती है। ये सुनकर जंको मुस्कुराते हुए ताई के हाथ छोड़ देते हैं। मिसेस ताई आप अभी तक खड़े क्यों हैं? जंको उनकी ओर देखते हुए कहते हैं। जंको के बात सुनकर सभी ताई को देखने लगते हैं एंड ताई गुस्से से जंको को घूरती है। ताई एक आखिरी बार गुस्से से जंको को देखते हैं एंड वहां से जल्दी से चेयर पर बैठ जाती है।